आपने देखा जनाब स्पीकर, हाउस की तरफ से बार बार ये बात आती है कि जी हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, हम आपके मुतालबात मानने को तैयार हैं। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, आई एम सॉरी, मुझे दोहराना पड़ेगा कि इन फाजिल दोस्तों ने अभी यहाँ आपके सामने कहा कि आप अपना मुतालबा बताएं। इसी सिलसिले में हुकूमत की तरफ से 3 दफ़ा कमेटियां बनी हैं। वो कमेटियां हमारे पास आई हैं और अगर जनाब इजाज़त दें तो मैं बताऊं कि पहली कमेटी मोहतरम मिनिस्टर असदुल्ला और मीर ज़हूर बुलेदी पे मुश्तमिल थी। वो आपने बयान किया था मलिक साहब पिछले सेशन में। मैंने पहले भी कहा कि मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं। अब बात यह है कि किस तरह 3 दफ़ा कमेटियां आती हैं, 3 दफ़ा कमेटियां बैठती हैं, उसका रिजल्ट, और ये कहते हैं कि जी हम आपको हुकूक से महरूम नहीं करेंगे। ये तो अपेरेंटली हमारे हुकूक को तस्लीम करने की बात ही नहीं करते हैं। अगर बात करते तो वो जो 3 दफ़ा का कमेटी आई, कम अज़ कम ऐसे नहीं है कि ये सीनियर लोग भी वजीर रहे हैं। और दुनिया में एक कमिटमेंट एक बात होती है, ज़ुबान एक बात होती है। जब आके ज़ुबान करते हैं कि जी हम आपके साथ होंगे, हम आपके हुकूक को गसब नहीं करेंगे, और जब अपेरेंटली हमारे हुकूक गसब होते हैं, हमें दीवार से लगाया जाता है, तो जनाब स्पीकर फिर हमारे पास कौन सी वो चीज़ रह जाती है सिवाय इसके कि हम आपके नॉलेज में ये सारी तफसीलात लाएँ। अब ये जो आज जो जनाब के सामने कमेटी बनी है, या जो वादा हुआ है कि परसों तक वो ले आएंगे, तफसीलात ले आएंगे, मैं आपसे जनाब स्पीकर साहब अर्ज़ करता हूँ कि ये तफसीलात जिस वक्त ये बन रहे थे, जिस वक्त ये सारे डिटेल्स मुरतब हो रहे थे, क्या बहसियत मेंबर सूबाई असम्बली, क्या बहसियत नुमाइंदा एक हलके के, क्या बहसियत कलेक्टिव पोजीशन, हमारा ये हक नहीं था कि हमें कहा जाता कि जी ये चीज़ें हम रिलीज़ कर रहे हैं। हमें इन्फॉर्म तो करते, और वो भी इस तरीके से सीक्रेट वर्ड्स में वहाँ भिजवा दिया कि हमें आपको दरख्वास्त देनी पड़ी जनाब स्पीकर। हम गए उनके पास, एसीएस साहब के पास, उनके सामने हमने दरख्वास्त पेश की कि जनाब आपने सिर्फ हिंसे लिखे हैं फला, हमें क्या डिटेल्स दे दीजिए। हमने डिटेल्स मांगे, उसने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं दे सकता हूँ, ये आप जाकर स्पीकर साहब को दरख्वास्त दें। हम वापस आए, हमारे साथी साथ थे, हमने दोबारा दरख्वास्त दी और दरख्वास्त में उन्होंने चाहिए तो ये था जनाब स्पीकर कि वो फौरी तौर पे बुला लेते, कंप्यूटर के एक क्लिक से सारी तफसीलात उनके पास थी, वो हमें प्रोवाइड करते तो आज उसी पर बहस होती। लेकिन वो भी आज 2 दिन के बाद पता नहीं वो एक्सप्लेनेशन किस तरीके से, जब हम पुराने वादों को देखते हैं, जब हम पुरानी बातों को देखते हैं, तो यही बात आ जाएगी जनाब के उससे क्या होगा। तो इसलिए अब हमारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ आकर जज्बाती वो कर हम कोई बात करते हैं, हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जब हमें इस बात की यकीन दहानी नहीं कराई जाती, जब वो तो एक कमेटी है, पीएनडी की कमेटी है, ठीक है, कमेटियां तो सारी 19 कमेटियां हैं, कमेटियां तो चल दी रहेंगी। अब पीएनडी में हमारे 2 साथी हैं, इनके 5 साथी हैं, आपस में डिस्कस कर लेंगे, चेयरमैनशिप फिर भी उनका है। तो बजाय इसके कि इस तरह लेंथी रास्ते से हमें सताया जाए, बजाय इसके कि इस लेंथी तरीके से हमें, अगर हमारे हुकूक की जिस वक्त ये ऐलान भी करते हैं कि हम आपके हुकूक तस्लीम भी करते हैं, जब ये बात मानते भी हैं कि हम आपको एमपीए समझते हैं, जब ये बात ये मानते भी हैं कि हम आपको रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, तो फिर हमारे साथ इस किस्म का जुल्म तो नहीं होना चाहिए। ये तो आप हमारे ये बैठे हमारे साथ, क्या हम इनके मराहत हैं तो अपने लिए नहीं, हमारे इलाकों में क्या कुछ दिया जा रहा है उनकी, वो लोग भी तो तरक्की के हकदार हैं। तो ये सारी वजह से ये हमारा जो एहतजाज है,
ملک صاحب آپ کا احتجاج نہیں ہے. آپ کی بات میں نے سنی, آپ سب لوگوں نے فرمایا, ملک صاحب نے بھی فرمایا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اصغر خان ہے, اگر انہوں نے آپ کے تحفظات دور نہ کیے ہر حوالے سے, تو اگلی دفعہ بے شک آپ لوگ تحریک لائیں. قانون میں یہ چیز ہے اسپیشل کمیٹی, اس کے لیے ایک تحریک لانی ہوتی ہے. آپ خود سپیکر رہ چکے ہیں. میں نے ہمارے مطالبات, ہمارے جو تحفظات ہیں وہ تو کسی نے بھی نہیں دور کیے, تو اصغر صاحب تو اپنی کمیٹی کا دفاع کریں گے, اور تو آگے کیا کریں گے.